जायसवाल महिला विकास समिति द्वारा बुधवार को पार्क रोड स्थित एक होटल में तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत समिति के सदस्यों ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के गीतों पर मनमोहक नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसने समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, संस्था की संरक्षिका किरण, कार्यकारी अध्यक्ष रीना जायसवाल, संध्या जायसवाल, सविता जायसवाल सहित संस्था की कई अधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, ये हमारी महिला मेंबर है, ये आ गए हैं, आ गया दिखते है मेरा कन्हैया काकरी यशोदा क्या करी यशोदा मैया हो बड़ा नटी खटे है मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला या मेरा काली कजरी वाला इसीलिए काला भयो जय कन्हैया लाल की हरी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हरी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की हरी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की।
जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव अभी कल ही खत्म हुआ है और तीज आने वाला है, तो हम लोग सब मिल करके कन्हैया लाल जी के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और यहाँ गाना और गीत और डांस का कंपटीशन भी साथ साथ रखा है और साथ साथ तीज के भी मेहंदी और इत्यादि का भी डेकोरेशन का भी उसका भी रखा है कि सज धज करके हमारी सबसे ज़्यादा कौन बहनें आएंगी। तो ये सब मिला करके हम लोग त्यौहार को, उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। चेक देना चाहते हैं कि हम सब एक एक होकर के भारत एक है, तरह तरह के त्यौहार आते रहे जाते रहे, लेकिन हर कोई मिल करके हर्षोल्लास से अनेक अनेकों में एक जिसको कहते हैं क्या बोल रहे हैं हाँ एकता के प्रतीक भी हो और फिर ये भी रहे कि जो एक माँ और बेटे का प्रेम होता है वो उसको हम वो संदेश देगा कि नंद रानी का मौर। आज हम लोग यहाँ पर एक प्रतियोगिता रखे हैं जिसमें हम छोटे छोटे परफॉर्मेंस सबसे लेंगे और उसमें हालांकि चयन करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी एक चयन करके हम एक मौर पहनाएंगे नंद रानी का। कृष्ण जी का, कृष्ण जी का जैसा कि आप जानते हैं कि उनको माना जाता था कि हर तरह के पाप का नाश करने के लिए आए थे, हर तरह के सुख मनाने के लिए आए थे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा भारत भी उनके इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मना करके ऐसा ही संदेश हमेशा दे।